हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर ऑफ अल इन दिस लेक्चर वी विल बी डूइंग सम इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ वेक्टर कैलकुलस हम बात करेंगे वेक्टर कैलकुलस के एप्लीकेशंस की तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं बैलिस्टिक्स एंड प्लैनेटरी मोशंस की जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है प्लानिट्री मोशन मोशन ऑफ प्लानिट्स से रिलेटेड है इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर्स में आज हम बात करेंगे बैलिस्टिक मोशन की आप सभी ने टैंक और उसके शेल यानी कि तोप और उसके गोले का मोशन देखा होगा लेट से दिस इज अवर टैंक और इसके अंदर एक गोला है बेसिकली शेल जिसे बोलते हैं और जब ये शूट करेगा तो ये कुछ इस तरीके से पाथ ट्रेस करेगा इस गोले को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल तो फ्रेंड्स इस प्रोजेक्टाइल ने जो मोशन लिया या जो पाथ ट्रेस किया हम इसकी स्टडी करने जा रहे हैं और इन सब चीजों की स्टडी हमारी बैलिस्टिक्स मोशन के अंदर आती है तो जब ये हम किसी तोप में से गोले को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे या उसका पाथ ट्रेस करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीजें होंगी उसके अंदर यहां पर आपको एयर का रेजिस्टेंस भी मिलेगा तो अपने काम को आसान करने के लिए हम ये मान के चलेंगे जो प्रोजेक्टाइल का मोशन है वो एक वैक्यूम के अंदर है तो बेसिकली जो हम मॉडल बनाने जा रहे हैं वो एक सिंपल मॉडल होगा मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इन अ वैक्यूम ऐसा नहीं है कि वैक्यूम में बनाने से हम इसे रियल वर्ल्ड पर अप्लाई नहीं कर सकते दिस इज वेरी मच एप्लीकेबल टू रियल वर्ल्ड ऑल्सो एज लॉन्ग एज द प्रोजेक्टाइल इज रीजनेबल हैवी जो ये प्रोजेक्टाइल है ये हैवी होना चाहिए थोड़ा सा लो स्पीड से ट्रेवल करे और सरफेस के क्लोज रहे यानी जो अर्थ का सरफेस है उसके पास रहे अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो जो वैक्यूम में मॉडल बनाया वो रियल वर्ल्ड में भी काम करेगा तो चलिए फ्रेंड्स ट्राई करते हैं इस मॉडल को बनाने का लेटस से वी हैव अ टैंक एट अ हाइट एसनोट फ्रॉम द ऑरिजिन तो जो ये मजल है टैंक का ये एसनोट हाइट पर है बेसिकली जो भी यहां से शेल लॉन्च होगा उसकी हाइट ग्राउंड से एसनोट होगी दिस इज अवर एक्सएक्सिस दिस इज अवर वाई एक्सिस और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो शेल है वो लॉन्च होते टाइम ऑरिजिन के जस्ट ऊपर है यानि वाई एक्सिस पर है सो दिस इज अवर एस नोट हाइट ऑफ द मजल और शेल एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पी जहां से हम शूट करने जा रहे हैं यह पाथ ट्रेस होता है शूट करने के बाद इसकी इनिशियल स्पीड हम ले लेते हैं वी नोट सो जो बेसिक्स नोटेशन है पहले मैं वो लिख देता हूं एस नोट क्या है हमारा हाइट ऑफ पी अब वो और P क्या है जिस पॉइंट से हमने प्रोजेक्टाइल फायर किया सो लेट अ प्रोजेक्टाइल बी फायर फ्रॉम P. S नॉट इज द हाइट ऑफ पी अब ओ इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल दिस शेल इज अवर प्रोजेक्टाइल एक्चुअली और V नॉट को हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज मजल स्पीड लेट से ये ग्राउंड सरफेस से अल्फा एंगल बनाता है यानी कि अगर मैं इस ग्राउंड से पैरल एक लाइन खींचूं यहाँ पर तो जो ये एंगल बनेगा ये एंगल मेरा अल्फा एंगल होगा दिस एंगल इज अल्फा अल्फ़ा क्या हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन एट द लॉन्च लेट एम बी द मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल अब देखिए फ्रेंड्स हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि इस प्रोजेक्टाइल का मोशन क्या होगा बेसिकली so कुछ और टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा पहली चीज तो क्या हुई वी आर गोइंग टू फाइंड द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल लेट डिनोटेड बाय आर टी सो दिस इज अवर पोजिशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी आफ्टर इट इज फायर बिफोर इट हिट्स ग्राउंड क्योंकि फायरिंग से पहले तो मुझे पोजिशन पता है ये एस नॉट हाइट पर है यानी कि एस नॉट जे कैप इज द पोजिशन ऑफ दिस शेल्थ और प्रोजेक्टाइल और ग्राउंड को हिट करने के बाद तब भी मैं बता सकता हूँ ये जो डिस्टेंस है ये इसकी पोजिशन दिखा सो आई कैन से दैट आर टी इज पोजिशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी आफ्टर इट इज फायर बिफोर इट हिट्स ग्राउंड यानि कि जब यह हवा में रहेगी प्रोजेक्टाइल उस टाइम पर अगर मुझे पोजिशन देखना है तो वो आर टी वैक्टर मुझे वो देगा अब देखिए यहां से यहां पहुंचने में इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंपैक्ट या खाली इंपैक्ट भी आप बोल सकते हैं तो यहां से यहां पर पहुंचने में जो टाइम लगा उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट ये भी हम कैलकुलेट करेंगे कि इसे कितना टाइम लगा इसको हम डिनोट करते हैं टी से इट इज द टाइम इलेप्स बिटवीन लॉन्च एंड इंपैक्ट थर्ड एक और इंपॉर्टेंट चीज हम कैलकुलेट करेंगे वो है रेंज इसको हम डिनोट नोट करेंगे आर एफ से रेंज बेसिकली हमारा डिस्टेंस होता है जहां से फ्लाइट शुरू हुई वहां से इम्पैक्ट में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज दिस दिस इज अवर आर एफ सो इट इज टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द फ्लाइट तो ये तीन चीज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो चलिए फ्रेंड्स ट्राई करते हैं इसको बनाने की अब देखिए हमने एजम्शन क्या लिया है कि प्रोजेक्टाइल जो है वो वैक्यूम के अंदर है सो वी विल एज्यूम दैट द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल एट एनी गिवन टाइम इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एयर को हम हटा चुके हैं तो यहां पर जो फोर्स एक्ट करेगी इस प्रोजेक्टाइल के ऊपर वो फोर्स होगी ग्रेविटी की वजह से और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा इस प्रोजेक्टाइल का वेट और ये टोटल फोर्स क्या होगी देखिए हम सब जानते हैं जी इज अवर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो इस टोटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा मास इनटू ग्रेविटी अब देखिए यहां पर कोई एक पॉइंट ले लेता हूं सपोज कीजिए जो मेरा प्रोजेक्टाइल है वो यहां पर है किसी टाइम टी पे तो फोर्स क्या होगी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी सो so, ये फोर्स वेक्टर क्या हो जाएगा दिस विल बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जे या फिर ये बोल सकता हूं वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और देखिए, एक्स कंपोनेंट तो कोई इसका है नहीं सो दिस विल बी इक्वल टू एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी जे कैप क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है तो इसीलिए यहां पर माइनस आ गया वाई एक्सिस के पैरल है x डायरेक्शन में कुछ भी कंपोनेंट नहीं है फोर्स का सो दैट्स वाई अवर फोर्स इज दिस अब देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास इन टू एक्सिलेशन ये हम सब जानते हैं बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स किसके इक्वल होती है मास इनटू एक्सीलरेशन के एक्सीलरेशन को मैं ए टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वेयर ए टी इज एक्सीलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द टाइम टी देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको पिछले कुछ लेक्चर्स में भी बताया है अगर मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना है तो उसको मैं निकाल सकता हूं इंटीग्रेट करके वेलोसिटी वेक्टर के और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये मैं निकाल सकता हूं इंटीग्रेट करके एक्सीशन वेक्टर को तो इसका मतलब अगर मुझे एक्सिलरेशन वेक्टर मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा मुझे उस वेक्टर को दो बार इंटीग्रेट करना होगा और फिर मुझे पोजिशन वेक्टर मिल जाएगा बेसिकली पहली बार इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा और दूसरी बार इंटीग्रेट करेंगे तो पोजीशन वेक्टर मिलेगा तो देखिए यहां पर मुझे फोर्स मिल गया माइनस एम जी जे यहां पर मुझे फोर्स मिल गया एम इंटू एक्सिलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल तो एक्सिलेशन निकल जाएगा प्रोजेक्टाइल का फ्रॉम वन एंड टू वी गेट एक्सिलरेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू माइनस जी जे कैप दिस इज ट्रू फॉर ऑल टी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो टाइम मेरा यहां पर नेगेटिव नहीं हो सकता टाइम जीरो से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव होगा दैट्स वाई वी हैव रिटर्न दिस कंडीशन अब देखिए इसको इंटीग्रेट करते हैं और वेलोसिटी निकालते हैं तो वी टी से मैं डिनोट करता हूं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टाइम टी सो यहां पर लिख देते हैं वी टी इज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट टाइम टी सो वी टी आ जाएगा दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी एक्चुअली ये सब वैक्टर्स हैं तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस जी जे कैप डी टी इंटीग्रेशन वैक्टर का आपको निकालना ही आता है दिस विल बी माइनस जी डी टी जे कैप कंपोनेट वाइज कर देंगे और यहां पर सिर्फ जे एथ कंपोनेंट है सो दिस विल बी माइनस जी टी जे कैप प्लस कांस्टेंट वेक्टर लेट से C1 तो जैसा मैंने आपको बताया अगर मेरा शेल किसी टाइम T पर यहां पर है तो वर्टिकली डाउनवर्ड उस पर फोर्स लगेगी ऐसे ही किसी पोजिशन पर वेलोसिटी भी होगी उसको दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे दिखा सकते हैं वेलोसिटी विल बी टेंजेंट टू दिस पाथ दिस विल बी अवर वेलोसिटी अब देखिए इस c1 को निकालने के लिए मुझे इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत है इनिशियली देखिए क्या था मेरे पास अल्फा एंगल से हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया था विद स्पीड वी नॉट तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी दिस वेलोसिटी कैन बी रिटर्न एज वी एट जीरो वी टी क्या है वेलोसिटी एट टाइम टी तो मैं बात कर रहा हूं एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे सो दिस विल बी ओवर वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू जीरो वी जीरो और देखिए वी ज़ीरो क्या होगा अगर ये एंगल अल्फा है तो इसका एक्स और वाई कंपोनेंट मैं निकाल सकता हूँ इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ लेट से दिस इज अवर वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम जीरो देखिए फ्रेंड्स अगर ये एंगल अल्फा है तो इसका एक्स कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं दिस विल बी वी नाट कॉस अल्फा और ऐसे ही इसका वाई कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं ये होगा वी नाट साइन अल्फा सो वी जीरो क्या आ जाएगा मेरा वी नॉट कॉस अल्फा आई कैप प्लस वी नॉट साइन अल्फा जे कैप अब यहां पर आप टी इक्वल टू जीरो पुट कीजिए टी इक्वल टू जीरो पर लेफ्ट हैंड साइड पर तो मुझे मिलेगा वी जीरो ये जीरो हो जाएगा प्लस सी वन जो कांस्टेंट वेक्टर आया सी वन ये इक्वल आ गया वी जीरो के और वी जीरो तो ये है वी नॉट कॉस अल्फा आई कैप प्लस वी नॉट साइन अल्फा जे कैप तो जो वेलोसिटी वेक्टर आया था वो क्या हो जाएगा वी टी इज इक्वल टू माइनस जी टी जे प्लस सी वन वी नॉट कॉस अल्फा आई प्लस वी नॉट साइन अल्फा जे तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है वी नॉट कॉस अल्फा आई कैप प्लस वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी जे कैप तो ये तो मुझे मिल गया वेलोसिटी एट टाइम टी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बट आई नीड इट्स पोजिशन वी टी से काम नहीं चलेगा हमें आर टी निकालना है आर टी कैसे निकलेगा इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा लेट अस इंटीग्रेट इट आर टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वैक्टर वी टी डी टी ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट कॉस अल्फा आई प्लस वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी जे कैप डी टी वैक्टर इंटीग्रेशन आप सबको पता है कंपोनेंट वाइज इंटीग्रेट कर देंगे सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट कॉस अल्फा डी टी आई कैप प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी डी टी जे कैप ये हो जाएगा वी नॉट कॉस अल्फा टी आई कैप प्लस वी नॉट साइन अल्फा टी माइनस जी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी स्क्वायर बाय टू जे कैप प्लस सी टू सी टू क्या मेरा कॉन्स्टेंट वैक्टर ये निकाला मैंने आर टी एट टाइम टी अब देखिए इसमें भी अगर मैं इनिशियल कंडीशन लगाऊं अगर मैं टी इक्वल टू ज़ीरो की बात करूं टाइम ज़ीरो पर मेरा प्रोजेक्टाइल यहां पर था पी पॉइंट पर यहां पर देखिए एक्स कंपोनेंट तो ज़ीरो है वाई कंपोनेंट कितना है एस नॉट तो जो आर टी वैक्टर है वो क्या होगा t इक्वल टू ज़ीरो पर दैट इज आर नॉट वैक्टर क्या हो गया एस नॉट जे कैप दिस विल बी आवर आर एट जीरो सो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो आर जीरो इज एस नॉट जे कैप अब देखिए टी को जीरो पुट करते हैं तो वी नॉट कॉस अल्फा इंटू टी ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि टी जीरो है जीरो आई कैप प्लस इंटू टी ये भी जीरो माइनस जी टी स्क् जीरोगा तो जीरो जे कैफ प्लस सी टू वैक्टर वन सेकेंड देखिए सी टू जो है वो आर एट जीरोक्ल आ गया और आर एट जीरो क्या है एस नॉट जे दिस एम्प्लाइज सी टू वैक्टर इज इक्वल टू एस नॉट जे कैप अब ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे और सोल्व कर लेंगे वी विल गेट दिस आर टी वैक्टर सो दिस आर टी वैक्टर इज इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फा टी आई कैप प्लस माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू प्लस वी नाट साइन अल्फा टी प्लस दिस एस नॉट भैया जे कैप के साथ जुड़ जाएगा जे कैप दिस इज अवर पोजिशन वैक्टर एट एनी गिवन टाइम टी देखिए फ्रेंड्स ये तो वेक्टर फॉर्म में है अगर मैं इसे पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ तो ये ज्यादा हेल्पफुल होगा बिकॉज किसी भी पॉइंट को मैं कैसे दिखा सकता हूँ एनी पॉइंट ऑन दिस इज एक्स टी कॉमा वाई टी तो चलिए इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में समझते हैं क्या होगा ये इन पैरामीट्रिक फॉर्म वी हैव एक्स टी इज इक्वल टू दिस कॉम्पोनेंट आईएत कॉम्पोनेंट दैट इज वी नॉट कॉस अल्फा टी और वाई टी क्या आ जाएगा मेरा माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू प्लस वी नॉट साइन अल्फा प्लस एस नॉट तो ये आ गए मेरी पैरामीट्रिक इक्वेशंस जहां तक है आप इन इक्वेशंस को यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अब देखिए अगर मैं किसी तरीके से टी रिमूव कर दू तो मैं इसे कार्टीजियन इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ लेकिन टी रिमूव करने के लिए मेरे को एक कंडीशन चाहिए होगी जो अल्फ़ा है वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आपको मिलेगा अगर आप देखिए एक्स टी को सॉल्व करते हैं टी के लिए तो क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फ़ा टी और यहाँ से अगर t निकालने की कोशिश करेंगे t आएगा x ओवर v नॉट cos अल्फ़ा तो अगर अल्फा 90 हुआ तो cos ज़ीरो हो जाएगा cos 90 ज़ीरो हो जाएगा और फिर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा सो वी हैव टू अप्लाई दिस कंडीशन अल्फा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री इस कंडीशन को लगा के मैं t की वैल्यू निकाल सकता हूँ अब यही t की वैल्यू अगर मैं y में पुट कर दूँ इन दिस इक्वेशन। तो देखिए मेरा t एलिमिनेट हो जाएगा सो so, दिस y इज इक्वल टू वाई टी लिखिए y लिखिए दोनों का मतलब एक ही है माइनस जी ओवर टू टी की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ सो दिस विल बी x ओवर v नाट कॉस अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस v नाट साइन अल्फा t, x ओवर v नाट कॉस अल्फा प्लस s नॉट देखिए हम यहाँ पर टी को एलिमिनेट कर रहे हैं तो यहाँ पर टी लिखने का कोई मीनिंग है नहीं सो वाई इज इक्वल टू माइनस जी ओवर टू वी नॉट कॉस अल्फा होल स्क्वायर एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वी नॉट कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल हैव टेन अल्फा एक्स प्लस एस नॉट दिस इज अवर कार्टिजियन इक्वेशन फॉर द ट्रेजिक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन की जर्रल फॉर्म क्या होगी वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वास प्लस सी वेयर ए इज लेस देन जीरो देखिए डिनोमिनेटर तो मेरा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि स्क्वायर है और जी क्या होता है जी एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो आप बोल सकते हैं जी की वैल्यू तो कॉन्स्टेंट होगी विच इज अ पॉजिटिव नंबर तो माइनस ऑफ दिस होल नंबर इज नेगेटिव तो इसका मतलब ये वाली जो कोफिशियंट है एक्स स्क् का वो नेगेटिव होगा सो दैट्स वाई आई हैव दिस है इज लेस देन जीरो और जो ये ट्रेजेक्ट्री बनाता है ये ये क्या है ये एक तरह से पैराबोला की क्वेश्चन है डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला क्योंकि ए क्या है लेस देन जीरो है तो मैं क्या बोल सकता हूं द ट्रेजेक्ट्री मस्ट बी पार्ट ऑफ डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला और आप देख भी सकते हैं जो यहाँ पे ट्रेजिक्टी बन रही है ये एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला की तरह ही बन रही है सो वी कैन से दैट इफ अ प्रोजेक्टाइल इज नॉट फायर्ड वर्टिकली यानी कि अगर अल्फा नाइन्टी डिग्री नहीं है बेसिकली आप बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड नहीं फायर कर रहे हैं किसी एंगल पर फायर कर रहे हैं इट्स ट्रेजिक्ट्री विल बी दार्ट ऑफ डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला सो दिस इज ऑल वी हैव लर्न फ्रॉम दिस पार्ट अब देखिए हमने आर टी निकाल लिया उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म देख ली अब हम बात करेंगे रिमेनिंग चीजों के बारे में वी हैव लेफ्ट विद अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज तो चलिए दोनों को निकालने का कोशिश करते हैं तो बात करते हैं पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की जैसा मैंने आपको बताया था टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है लॉन्च से इंपैक्ट के बीच का टाइम यानी यहां से इस प्रोजेक्टाइल के निकलने का और यहां पहुंचने का इसके बीच का टाइम अब देखिए जब प्रोजेक्टाइल मेरा आई पर आ चुका है इंपैक्ट पर आ चुका है तो जो वाई कंपोनेंट है प्रोजेक्टाइल का वो जीरो हो जाएगा सो आई कैन से दैट एट इंपैक्ट टी इज इक्वल टू टी एफ एंड वाई इज इक्वल टू जीरो और y क्या निकाला था हमने कार्टिजन फॉर्म की बात करूं तो ये था हमारा y तो यानी कि जब t टी एफ होगा तो ये y मेरा जीरो हो जाएगा सो अप्लाइंग दीज कंडीशंस वी विल हैव y इक्वल टू जीरो माइनस जी टी क्या टी एफ होल स्क्वायर बाय टू प्लस वी नॉट साइन अल्फा टी एफ प्लस एस नॉट इस जीरो को मैं आर एच एस में लिख देता हूं सो so, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट देगा ऐसे ही निकाल सकते हैं हम रेंज जिसको हम आर एफ से डिनोट करते हैं रेंज क्या है रेंज बेसिकली ये डिस्टेंस है अब देखिए T इक्वल टू जीरो पर X जो था वो जीरो था क्योंकि सिर्फ Y कंपोनेंट था हमारा प्रोजेक्टाइल का और T इक्वल टू टी एफ यानी कि जब वो प्रोजेक्टाइल शुरू होके खत्म हो चुका है बेसिकली ग्राउंड को टच कर चुका है तो टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टी एफ पर एक्स क्या होगा मेरा वो इस पूरे के इक्वल होगा यानी कि एक्स विल बी इक्वल टू आर एफ सो वी हैव एट टाइम टी इक्वल टू जीरो एक्स जीरो था इक्वल टू टी एफ एक्स इज इक्वल टू आर एफ अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या आई थी मेरी एक्स था मेरा एक्स टी इज इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फा टी इसके अंदर अब हम ये कंडीशन पुट कर देते हैं एक्स टी इज इक्वल टू आर एफ वैन टी इज इक्वल टू टी एफ सो दिस इज अवर वैल्यू ऑफ आर एफ तो हमने बेसिक सारी चीजें देख ली हैं मोशन ऑफ फ्लाइट देख लिया टाइम ऑफ फ्लाइट देख लिया रेंज ऑफ फ्लाइट देख लिया इन्हीं चीजों की हेल्प से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सो so फ्रेंड्स जो हमारा एम था कैलकुलेट करने का पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ये तीनों चीज़ें हमने निकाल ली हैं तो अब बात करते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की एक मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ आप उसको ट्राई कीजिएगा होपफुली आप उसे सॉल्व कर लेंगे नहीं होता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर देख सकते हैं उसमें मैं उसे सॉल्व करूंगा सो दिस इज द क्वेश्चन अ बॉय स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द क्लिफ थ्रोज अ बॉल अपवर्ड एट अ एंगल थर्टी डिग्री विद एन इनिशियल स्पीड सिक्सटी फोर फीट पर सेकेंड यानि कि वी नोट आपको दिया हुआ है सेकेंड अल्फा आपको एंगल थर्टी डिग्री गिवन है सपोज दैट वेन द बॉल लीव द बॉयज हैंड इट इज एट फोर्टी एट फीट अबब द ग्राउंड एट द बेस ऑफ द क्लिफ यानी कि जो एस नॉट है वो आपका 48 फीट गिवन है आपको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज बॉल का प्रोजेक्टाइल बेसिकली यहां पर हमारा बॉल है तो टी एफ आप निकाल लेंगे इससे सॉल्व करके रेंज भी निकाल लेंगे वट आर दी टी एंड इट्स स्पीड एट इम्पैक्ट तो वेलोसिटी और स्पीड निकालनी है और हाईएस्ट पॉइंट निकालना है जो ये बॉल रीच करेगी एक चीज़ मैं आप, आपको आपको बता देता हूं एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अगर आप फीट में कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है थर्टी टू फीट पर सेकेंड स्क्वायर तो आप ये वाला वैल्यू यूज कीजिए ना कि नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होपफुली आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट लेक्चर देख सकते हैं आंसर्स के लिए भी आप नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखें थैंक यू फॉर वॉचिंग